नमस्कार, आप सबका स्वागत है यूटिलिटी चैनल पर। नवरात्रों की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नवरात्रों के व्रत में खाए जाने वाले चौलाई के लड्डुओं की रेसिपी। मैं अपनी किचन में बनाऊंगी चौलाई के लड्डू, तो चलिए मेरे किचन में चौलाई के लड्डू की रेसिपी देखते हैं। ये देखिए, अब चूंकि नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं तो हमें व्रत के लिए, नवरात्रों के लिए चौलाई के लड्डू चाहिए। अब चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो बाहर से भी नहीं ला सकते हैं, इसीलिए मैंने जो है चौलाई मार्केट से खरीदी है और अब मैं इसके लड्डू, पहले तो इसको बनाऊंगी, भूनूंगी, फिर इसके लड्डू बनाऊंगी। चाहे तो आप लड्डू बना सकते हैं, चाहे आप इसको कैसे भी खा सकते हैं। ये पैकेट है, ये गोल्ड स्पाइसेस का, ये मैंने मार्केट से खरीदा है और ये बिना भुना है। ये देखिए, ये मैंने ऐसे निकाली है इसको पैकेट में से, ये इस तरीके से दिख रही है। पहले इसको देख लीजिए कि इसमें कुछ कीड़ा या कुछ इस तरीके से गंदगी ना हो। ये मेरी चौलाई बहुत ज़्यादा साफ निकली है तो मुझे इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हम इसको अगर थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर चौलाई थोड़ी नमी वाली लगती है तो इसको 2-4 मिनट के लिए बस हल्की सी, बिल्कुल हल्की, जहां पर धूप आ रही हो वहां पर रखिए, सिर्फ 2-4 मिनट, नहीं तो ये खराब हो जाएगी, बनेगी नहीं। तो अब मैं इसको मैंने भूनने के लिए कढ़ाई, चूंकि नवरात्रि हैं तो पूरा अच्छे तरीके से ये साफ सुथरा किया है इधर से, चूंकि ये बहुत ज्यादा उफनती है, फैलती है जैसे पॉपकॉर्न फैलते हैं, तो उसके लिए मैंने पूरा ये कवर कर रखा है जगह। और अब मैंने गैस को ऑन करके और अपनी जो है इतनी कर ली है ये कढ़ाई कि देख लेंगे हम इसको कि कितना मतलब गर्म हो रहा है। अभी मैंने पहले बीच में मैं कर चुकी थी तो बहुत तेज हो गई थी, मैंने बंद कर दी थी। तो अब मैं जो है जैसे देख रही हूँ तो हल्का मुझे आंच लग रही है अपने हाथ पर, मैंने बिल्कुल सिम कर दी है गैस। और अब मैं इसमें बहुत थोड़ी सी चौलाई लूंगी, अब लगभग ये आधा चम्मच मैंने चौलाई ली है। और थोड़ा सा और देखते हैं, अगर ये अभी थोड़ा सा लग रहा है कि ठंडा है तो मैं इसको थोड़ा आंच बढ़ा दी जिससे कि थोड़ा गर्म हो जाए। फिर हम अब ये आधा चम्मच मैंने जो है लिया है ये, और इसमें डाल दिया। और एक इस तरीके की प्लेट ले ली, आप कोई सी भी प्लेट ले सकते हैं, जिससे कि अब देखिए कि कितनी तेजी के साथ में ये फूल रहे हैं। देखिए कितनी तेजी से फूल रहे हैं, एकदम बहुत अच्छे से खिल के आ रहे हैं। बस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाना है जिससे कि हमारा ये सारा का सारा बाहर ना निकले। अब ये एकदम से जब हमें लगा कि हाँ अब ये निकलना बंद हो गया, इसका मतलब मेरी सारी चौलाई एकदम से देखिए कितनी सुंदर खिलकर आई है। देखिए कितनी सुंदर खिलकर आई है, कोई दाना ऐसा नहीं है इसमें जो ना खिला हो। अब मैं इसमें पुरानी और मेरी चौलाई पहले से रखी हुई थी, मैं इसमें भरती जाऊंगी। फिर से जो है मैंने ये लगभग आधा चम्मच फिर से डाल लिया है और फिर इसको देखिए एकदम से बहुत बढ़िया बनकर आता है हमारा, ये चौलाई बहुत बढ़िया खिलती है। बस बीच बीच में हल्का हल्का चलाते जाना है और गैस एकदम सिम करना है। और ये देखिए कितनी तेजी के साथ में बाहर निकल रहे हैं, अब ये निकलना बंद हो गया, इसका मतलब ये बन गए। ये देखिए गाइस, मैंने कितनी सारी ये बना ली है, ये लगभग मैंने बनाई है 100-100 ग्राम के 3 पैकेट 4 पैकेट में लाई थी, तो मैंने सिर्फ 3 पैकेट की बनाई है। 3 पैकेट की आप देखिए कितनी सारी बनी है, और एक मैं रख के छोड़ दूंगी ऐसे ही, पैकेट बंद रहेगी तो वो बाद में भी कभी काम आ सकती है, और अगर मैं उसको भून के रख दूंगी तो वो कुछ टाइम बाद फिर खराब होनी शुरू हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने जो है सिर्फ 3 पैकेट बनाए हैं। ये मैंने जो है सारी भून ली है, 3 पैकेट बताए थे आपको। अब मैं इसमें भूनने के बाद में इनको छानूंगी, तो मैंने ये लोहे की छन्नी ले रखी है, तो छानने का फायदा ये है, इसका फायदा ये है कि जो इसके अंदर किरकल होगी या फिर जो बिना भुने दाने होंगे वो सब के सब निकल जाएंगे। जैसे ये दिख रहे हैं, ये बिना भुने दाने हैं थोड़े थोड़े, और मैं छान भी रही हूँ तो ऊपर ऊपर में जो है बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी रह जाएगी। ये देखिए निकल रही है, और ऊपर की ये बिल्कुल सॉफ्ट रह गई है, एकदम खिली खिली है सारी। ले लेकर हम जो है ये सारी छान लेंगे, तो छानने से इसमें कभी कभी क्या होता है किरकल भी आती है, तो वो सब भी इसके नीचे रह जाती है, नीचे वाले हिस्से में, और ये
जब लड्डू बनेंगे तो बिना किरकर वाले बहुत अच्छे लड्डू बनेंगे। छान लूंगी। ये देखिए मैंने सारी डाल ली है यहाँ पे, ये मेरी बिल्कुल साफ सुथरी, ये दोनों में साफ सुथरी निकली है। और ये मेरे लास्ट वाला पार्ट है, तो देखिए इस तरीके से ये क्रिकल से ऐसी बननी शुरू हो जाती है। ये मैंने छोड़ दिया है और बस ये मेरा लास्ट मैं साफ कर रही हूँ। और ये देखिए बिल्कुल मतलब जो दाने जैसे तो जल गए हैं या कुछ ऐसे रह गए थे जो कभी बीच बीच में बिना भुने रह जाते हैं, वो सब इसमें निकल जाते हैं। अब हमने इनको लड्डू बनाना है, तो लड्डू बनाने के लिए गुड़ लिया है। लगभग ये 300 चौड़ाई थी मेरी, तो मैंने लगभग 450 या 400 के लगभग लिया है गुड़, 400 के लगभग लिया है, क्योंकि हमारी जितनी चौड़ाई होती है उससे थोड़ा सा हमें ज्यादा लेना होता है। 400 के लगभग मेरा ये गुड़ है। और इसमें ये लगभग इतनी छोटी गिलासी से मैं ये पानी डाल दूंगी, थोड़ा पानी डालूंगी पहले, फिर बाद में देखती हूँ, उसके बाद में अगर जरूरत पड़ी तो डालूंगी। इसमें से भी मैं बचाऊंगी पानी पहले, तो पहले हम डालते हैं ये गुड़ के छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। और पीसेस करने के बाद में हमने ये डाल दिया, इसको मैंने सारा गुड़ डाल दिया। और इसमें से मैंने अब ये जो छोटी ग्लासी में पानी लिया था ये मैंने पानी डाल दिया है। इसमें से भी मैंने देखिए ये थोड़ा सा मैंने पानी लगभग मैंने बचा लिया है, जरूरत होगी तब मैं आगे पानी डालूंगी, अदरवाइज डालने जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमने इसको पकने के लिए रख देना है, तो ये मेल्ट हो जाए, पूरा गुड़ मेल्ट हो जाए और पकना शुरू हो जाए, तब देखते हैं। अभी ये पक रहा है, ये अभी किस तरीके से पकना शुरू हो गया, पूरा गुड़ जो है मेल्ट हो गया है और कितने सारे बबल्स आ रहे हैं। और अब हम चेक करेंगे कि ये तैयार है कि नहीं, तो ये लगभग तैयार है। ये देखिए ये चाशनी का तार बन गया है, एक तार आना चाहिए, तार आ गया है। अब मैं इसको बंद कर दे रही हूँ, चूंकि हमारी ये तैयार हो गई है शीरा, तो मैंने जो है इसमें ले लिया परात में थोड़ी सी, लिए बहुत सारे में मैं नहीं मिलाऊंगी, तो एक सारे में मिलाने में कई बार बन जो है बनने में दिक्कत आ जाती है और सही से वो बन नहीं पाती, चिपक जाती है ज्यादा ही। तो मैंने थोड़ा सा जो है यहाँ शीरा लिया है और इसको एकदम एकदम में मिलाती जाऊंगी। बहुत गर्म है ये, तो इसलिए मुझे हल्के हाथ से बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। आप चाहें तो स्पून ले सकते हैं या फिर चमचे से भी कर सकते हैं, जिससे कि ये जल्दी जल्दी सारे में फैल जाए और मिल जाए पूरा। ये देखिएगा ये सब कितनी जल्दी से मतलब एक साथ ही पूरी ऐसे उठ के आ जाती है। अभी ये बनने के लिए बस हम इसको अच्छे से मैश कर देंगे तो बनने के लिए एकदम तैयार है। ये देखिए मैं जिनको जितना वो कर रही हूँ उतना ये बहुत बढ़िया से एक दूसरे के साथ चिपक कर आ रहे हैं। जब ये चिपक जाने शुरू लगे ऐसा लगता है कि हाँ ये चिपक रहे हैं, बिखर नहीं रहे, तो इसका मतलब हमारे लड्डू बनने के लिए रेडी हैं। और मैं बहुत हल्के हाथ से इनको मिलाती जा रही हूँ। और अब ये देखिए लड्डू एकदम बनकर कितना बढ़िया बनकर तैयार होगा। अगर ऐसा लगे कि हाथ पर चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी लेकर हम लड्डू को चिपका बना सकते हैं। ये देखिएगा कितना बढ़िया लड्डू ये एकदम फूला फूला सा बना है, कहीं कुछ बिखरा हुआ नहीं है। और इस तरीके से हम जो है लड्डू को बना लेंगे और अब एक एक करके रखते रहेंगे। बस इन्हें अब जितने अब ये जो है जल्दी जल्दी हम इनको जितने मैंने करे थे फटाफट फटाफट मैं इनको बनाती जाऊंगी, जिससे कि जो है ये सारा का सारा एक इकट्ठा ना हो जाए। बहुत हल्के हाथ से सारे लड्डू बनते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया लड्डू बन के आए हैं। तो आप भी इस रेसिपी का इस्तेमाल कीजिए और नवरात्रि में
लड्डुओं का, घर पे बने हुए लड्डुओं का आनंद उठाइए। मैंने बना लिए हैं, मैं जितने मुझे बनाने थे मैंने उतने लड्डू बनाए हैं, बाकी के मैंने अभी छोड़ दिए हैं ये रखकर, अभी और बनाऊंगी। ये देखिए, अब हमने इस तरीके से मैंने ये सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। और मैंने जो बनाया था शीरा, उसमें से मेरा थोड़ा सा शीरा बच भी गया है, तो मेरा जो 100 ग्राम का पैकेट ये बचा हुआ था, इसको भी मैं उसमें मिला लूंगी। तो इस तरीके से आप लोग भी नवरात्रि में चौलाई के लड्डू का एंजॉय कीजिए। सभी को हैप्पी नवरात्रि।